गुड आफ्टरनून। ये मेंटेनेंस पार्ट टू का पार्ट टू वीडियो है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 18 तक पढ़ाया था, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो आज हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन 19 और सेक्शन 20 पढ़ने वाले हैं। तो इस मेंटेनेंस का वीडियो में ये द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें आज हम लोग दो सेक्शन पढ़ने वाले हैं। वो दो सेक्शन ये है, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ सेक्शन 19 में डिफाइन किया हुआ है, और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एजेड पेरेंट्स जो सेक्शन 20 में डिफाइन किया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके आते हैं। पहला, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ सेक्शन 19। व्हेन अ हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम फादर इन लॉ आफ्टर हर हस्बैंड डाइज। मतलब ये आता है उसका अनसेक्ट, अगर आपके पास बेयर एक्ट अगर है तो आप उसे पढ़ सकते हो। सेक्शन 19, मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। सब सेक्शन 1, अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर हिंदू वाइफ है उसकी उसका उसकी शादी या तो इस एक्ट के पहले हुई है बाद में, शैल बी इंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड। बाद में हो शादी या पहले हो शादी, मेंटेनेंस उसको मिलेगा। आफ्टर द, अगर उसके पति मर जाए मतलब वीडो हो जाए, तो उसके फादर इन लॉ जो है वो मेंटेन, उसका जिम्मेदारी है, फादर इन लॉ की जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन करे। प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अगर दिया हुआ है कि अगर वो अपने अर्निंग से या फिर अपने प्रॉपर्टी से अपने को मेंटेन नहीं कर पा रही है, मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग, मतलब अपने जितना कमाई है जितना अर्निंग्स की उसे नहीं अगर वो मेंटेन कर पा रही है, और अदर प्रॉपर्टी और वेयर शी हैज़ नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इज़ अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस ऑब्टेन नहीं कर सकती फ्रॉम वो। जब हिंदू वाइफ जो है अगर ये सब ओन अर्निंग्स या अदर प्रॉपर्टी के थ्रू आप मेंटेनेंस ऑब्टेन नहीं कर सकती, तब दो केस में वो मेंटेनेंस ऑब्टेन कर सकती है। पहला केस आता है फ्रॉम द इस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड का प्रॉपर्टी से वो मेंटेनेंस ऑब्टेन कर सकती, और हर फादर और हर मदर। और सेकंड पॉइंट बी, फ्रॉम हर सन और डॉटर, उसके बेटे या बेटी के प्रॉपर्टी से वो मेंटेनेंस ले सकती है और मेंटेन अपने को कर सकती है, और हीज और हर इस्टेट, या फिर बेटे और बेटी से या मेंटेन कर सकती है अपने को, या फिर उसके प्रॉपर्टी से मेंटेन कर सकती है। ठीक है, फिर आता है व्हेन ऑब्लिगेशंस अंडर सब सेक्शन 1 नॉट इन्फोर्सिएबल। सब सेक्शन 1 में यही आता है, व्हेन अ हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम फादर इन लॉ आफ्टर हर हस्बैंड डाइज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 20 में। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एजेड पेरेंट्स सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है। पहला पॉइंट, अ हिंदू इज बाउंड टू मेंटेन हिज और हर चिल्ड्रेन एंड इन्फर्म पेरेंट्स। इसका तीन पॉइंट्स है। ठीक है, सब सेक्शन में तीन सब सेक्शन में डिवाइडेड है सेक्शन 20। पहला सब सेक्शन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू इज बाउंड, इस प्रोविजन के तहत हिंदू बाउंड है ड्यूरिंग हीज और हर लाइफ टाइम, उसके पूरा लाइफ टाइम के दौरान टू मेंटेन हीज और हर, टू मेंटेन करना है उसको हिंदू को पूरा लाइफ टाइम में हीज और हर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन। मैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का मैंने आपको मतलब बता दिया था इन केस ऑफ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हीज और हर एजेड और इन्फर्म पेरेंट्स, मतलब बूढ़े माँ बाप को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू, इस प्रोविजन के थ्रू। सेकेंड आता है इन केस ऑफ इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड, जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया पहले हिंदू मैरिज एक्ट का वीडियो में, और इसमें में भी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मैंने आपको ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट के बारे में बताया है। आप चाहो तो उसमें जाके उस वीडियोज़ में आप जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट खोल के। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ऑफ सब सेक्शन 2, अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर
सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज अ माइनर, जब तक चाइल्ड जो है लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जब तक चाइल्ड जो है माइनर मतलब बिलो 18 ईयर्स ओल्ड है, तब तक वो अपने फादर और मदर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। पर अगर वो 18 ईयर्स क्रॉस कर जाए मतलब वो मेजर में आ जाए, तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। उसका सबसेक्शन 3 आता है, इन केस ऑफ अनमेरिड डॉटर एंड एजेड पेरेंट्स। यहाँ लिखा हुआ है सबसेक्शन 3, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन, द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी होता है, ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हीज और हर एजेड और इनफर्म पेरेंट और अ डॉटर हु इज अनमेरिड एक्सटेंड्स इन सो फार एज द पेरेंट और द अनमेरिड डॉटर एज द केस मे बी इज अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। इसका मतलब यह आता है जो पर्सन मेंटेन करना चाहता है, जिस पर्सन को मेंटेन करना है अपने अनमेरिड डॉटर को या फिर एजेड पेरेंट्स को, जब तक कि अनमेरिड डॉटर का शादी ना हो जाए और एजेड पेरेंट्स और अनमेरिड डॉटर एजेड पेरेंट्स अपना मेंटेनेंस खुद ना कर सके। जैसे कि यहाँ लिखा है एज द केस में भी इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ आउट ऑफ हिज ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी, मतलब एजेड पेरेंट्स जो अपने अपने अर्निंग से या फिर अपने प्रॉपर्टी से जब तक मेंटेन नहीं कर पाए उसके, तब तक उसको मेंटेन करना है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इन दिस सेक्शन पेरेंट इंक्लूड्स अ चाइल्डलेस स्टेप मदर। जो पेरेंट्स लिखा हुआ है इस वर्ड का मतलब है चाइल्डलेस स्टेप मदर। ठीक है, आज इतना ही छोटा वीडियो ही बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई आपके आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा आप। ठीक है, और स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।